गाइस सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस यानी सीपी के एकदम बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल पार्क रखा गया है। ये काफ़ी पुराना पार्क है, कनॉट प्लेस बनने के कुछ साल बाद इसे बनाया गया था। इसके जस्ट नीचे दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन यानी सीपी का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन मौजूद है। ये देखिए गेट नंबर 6 है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6, यहाँ से आपको आना है। ये राइट में पालिका बाज़ार है, ये देखिए, और इधर लेफ्ट में सेंट्रल पार्क है, ये देखिए गाइस। और ये गाइस इस तरह के नमूने आपको सीपी में कनॉट प्लेस में जगह जगह पर मिल जाएंगे, जो डांस करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे, बहुत ही अपनी मस्ती में मगन। यहाँ पर ये देखिए क्या डांस कर रहे हैं ये भाई साहब, ये देखिए ये पालिका बाज़ार के गेट के बाहर। और ये यहाँ पे जितने भी सॉन्ग बज रहे हैं अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, पूछूं तुझे एक बार तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना अपने दिल। क्या गजब डांस हो रहा है भाई साहब का। तो गाइस पालिका बाज़ार के सामने से और मेट्रो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के सामने से हम आज आए हैं सेंट्रल पार्क में। और देखिए ये सेंट्रल पार्क हमारे राइट में आ गया है, यहाँ से एंट्री बंद है, तो इसका मतलब है गेट नंबर 2 से या 3 से एंट्री होगी। तो मैं चलता हूँ गेट नंबर 2 या 3 पे। ये गेट नंबर 2 है लेकिन ये अभी क्लोज है, तो हम चलते हैं गेट नंबर 3 पर। तो गाइज अब हम आ गए हैं गेट नंबर 3 पर, यहाँ से एंट्री है, ये देखिए गेट नंबर 3 है। चलते हैं अंदर सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में सीपी में, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ जब आएंगे आप, मज़ा आ जाएगा आपको। चलते हैं राइट से स्टार्ट करते हैं यहाँ का वीडियो। ये पार्क कितना अच्छा डेवलप किया गया है, काफ़ी अच्छा है ये, रात में तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत अच्छी है, लोग आते हैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, फुर्सत के कुछ पल बिताने के लिए। ये देखिए बहुत से लोग यहाँ पे आके अपने रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, आप देखेंगे तो बहुत से दिखाई पड़ जाएंगे लोग यहाँ पे। पानी पीने का बूथ बना हुआ है, ये पीने का पानी, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पी सकते हैं, बोतल भर सकते हैं अपनी, कपल्स बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। बैठने के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे, लोग अपने ऑफिस से आकर या अपने काम से फुर्सत पाकर लोग यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही अच्छा पार्क है गाइस, इतनी तारीफ़ करूं मैं उतना ही कम है, आप आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये देखिए गाइस पार्क के अंदर ये कितना अच्छा सेट किया गया है, ये छोटे छोटे से गमले लगे हुए हैं, पॉट लटकाए गए हैं कितने अच्छी तरीके से। गाइस ये पार्क जो है NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है, और वही इसका रख रखाव करते हैं। यहाँ का मेन जो अट्रैक्शन है वो है यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन। देखिए गाइस क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, ये म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ का, लेकिन म्यूजिक के साथ चलता है। चलिए बाहर से थोड़ा आगे चल के देखते हैं बन रहा होगा, अभी रात में तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पे।
सब बैठने के लिए बनाया गया है। जब प्रोग्राम होता है यहाँ पे सेंटर में तो यहाँ पे लोग बैठते हैं, चारों तरफ से देखते हैं। तो गाइस देखिए कितने अच्छे गमले यहाँ पे लगा रखे हैं, घास वाले फूल वाले, ये देखिए आप अपना दिल हार जाएंगे यहाँ आके पक्का। ये देखिए कितने अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है इसको, कितनी अच्छी तरह से दल डेवलप किया गया है। आप कभी सीपी आने का प्लान बनाएं तो सेंट्रल पार्क आना बिल्कुल ना भूलें, और शाम को हो सके तो शाम को ही आएँ, जिससे कि धूप ना हो तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि लाइटिंग होती है ज़बरदस्त। तो ये गाइस अभी मैं उस साइड था, वो देखिए फाउंटेन, अभी मैं उस साइड में था, अब मैं इधर आ गया हूँ। और ये गाइस यहाँ का मेन फाउंटेन, ये देखिए म्यूज़िक के साथ में चल रहा है। यहाँ पे घास कितनी अच्छी है बैठने के लिए। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ पे, ये देखिए। वेरी गुड। चलता है उसकी टाइमिंग है ये। ये देखिए गाइस म्यूजिकल फाउंटेन कितना गजब का है। यहाँ पे भी पानी रात में बहता है, अभी तो फ़िलहाल नहीं बह रहा है, लेकिन जब यहाँ पे पानी चलता है ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये साइड में ये वो लगे हुए हैं लाइट्स, और ये फाउंटेन लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे व्यू। ये देखिए क्या गजब का बनाया हुआ है। ये बॉल बनाई हुई है, बॉल के अंदर ये पेड़ लगा हुआ है, शायद ये पीपल का है।